आपका शुभ नाम? मन्नू रावत। मनु जी, 2024 के बाद आप किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मैं तो अभी मोदी जी को ही देखना चाहूँगा, बट आपका अगर ये क्वेश्चन है कि उनके अलावा किसको देखना चाहते हैं, तो दूर दूर तक तो कोई नज़र नहीं आता है योगी जी के अलावा। अरे योगी जी में ऐसा क्या खास आपको नज़र आ रहा है कि आप योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? योगी जी देखो, हमारा यूपी जो है वो पाकिस्तान से बड़ा है, ठीक है, तो उतने बड़े स्टेट को संभालना, जहाँ मोहम्मदन इतने लोग हैं, उसके बावजूद भी आप दंगा वगैरह नहीं सुन पा रहे वहाँ पे, तो कंट्रोल कर रखा है ना उन्होंने। इसलिए मेरे ख्याल से जितना अच्छा देश को योगी जी संभाल सकते हैं, उनके अलावा कोई और दिखता नहीं मुझे। और बात करें, बीच में कहीं न्यूज़ पर देखा था मैंने कि उनकी बहन, रियल बहन, वो कहीं चाय बेच रही है फुटपाथ पर ऐसे ही। अगर वो चाहें तो अपने रिश्तेदारों को क्या से क्या दिला सकते हैं, जैसे कि और नेताओं को हमने देखा है, उनके रिश्तेदारों के पेट्रोल पंप हैं बहुत सारे अलग अलग, है ना। तो इस तरह का अगर प्रधानमंत्री आए तो जनता के लिए अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश से ही एक और नेत्री आती हैं, यानी हम बहन जी के बारे में बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर कह दें आपको तो मायावती जी के बारे में, क्या आप उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मैं तो उनको यूपी का सीएम भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि जहाँ जिस स्टेट में इतनी भुखमरी है, पैसा कमाने के लिए सारे दिल्ली मुंबई बड़े बड़े महानगरों में भाग रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना, उसके बावजूद आप इतने सारे हाथियों के स्टैचू बना देते हो वहाँ पे, क्या है, करोड़ों रुपये आपने हाथी बनाने में खर्च कर दिए, हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते, कुछ और बनाते, हाथियाँ बना दिए और वही हाथी ले, कुल मिला के आपको ले डूबे। योगी जी भी तो कहा जा रहा है कि वो शहरों के नाम बदलने में लगे हुए हैं। देखिए जी, अभी मैं कोई अभी नाम याद नहीं आ रहा उनके, कोई पाकिस्तानी हैं बट वो कनाडा में शिफ्ट हैं, उनका मैं वो सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नाम बदलने, हाँ अलाउद्दीन का नाम कहीं पर है, क्यों है, अलाउद्दीन कौन था, चोर, बाहर से आके हमारे देश को तुमने लूटा, आज हम तुम्हारा नाम लिख रहे हैं फलानी रोड अलाउद्दीन रोड, क्यों, तो ठीक कर रहे हैं ना, क्या बुराई है इसमें। हाँ, और उसी में इंटरव्यू में मैंने सुना था, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, तो किसी ने पूछा, एक मोहम्मदन लेडी ने ही पूछा कि अगर निज़ामुद्दीन का नाम बदला जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, निज़ामुद्दीन बहुत अच्छे आदमी थे जो भी थे, ठीक है, तो उनका नाम नहीं बदलने पे मेरे को ऑब्जेक्शन है, उनका नहीं बदलना चाहिए। हाँ, अलाउद्दीन, ये हुमायूं, अकबर, ये सारे सब बाहर के हैं, हम क्यों रखें अपने देश में इनका नाम, क्या किया इन लोगों ने, लूटा ना, तो लुटेरों के नाम क्यों रखें हम। अखिलेश यादव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? जी, अखिलेश यादव मेरे को ठीक लगते हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं लगते कि वो प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए उनको। कभी कभी वो ऐसी बातें कर देते हैं ना, जैसे हमारे राहुल भैया, अखिलेश भैया, मतलब आपके घर में ही आप, मतलब फैमिली बैकग्राउंड हो गया राजनीति, आप भी आ गए जी, विरासत में मिल गई आपको, तो आप कुछ भी बोल देते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये लोग, राहुल गांधी जी, वही मैं बता रहा हूँ, अब इतना बड़ा आदमी रजवाड़े खानदान का अपनी जेब फटी हुई दिखाता है, कौन मानेगा और क्यों मानेगा, कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हो आप। आलू से सोना बनाने का तरीका आपने आप उसमें तो हंसी सकते हैं सब इससे ज़्यादा और क्या कहें। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनसे भी, वो भी आपको अच्छे लगते थे शायद, बताए। नहीं, राहुल जी अच्छे लगते हैं, नहीं कहा मैंने, कहा अपने क्या नाम बताया, मुलायम जी के बेटे, उनका मैंने बोला कि अखिलेश जी वो ठीक लगते हैं, बट उतने अच्छे नहीं लगते कि आप उनको प्रधानमंत्री देख सकें। कुल मिलाकर योगी जी का कोई ऐसा काम जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? हाँ, मेरे को देखो सबसे अच्छी बात इनकी जो लगी, चाहे योगी जी की कहो या चाहे मोदी जी की या बीजेपी की, कोई भी, उन्होंने जो सबसे अच्छा किया हमारे बाबा जी राम रहीम के जो अंदर किया, उन्हीं की वजह से सत्ता में आए, लेना पड़ता है, इनका सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, मगर
अगर तुम गलत हो तो तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, अंदर किया जाएगा। वो हो गए जो और दूसरे बाबा थे, कौन थे एक और राम क्या थे, आसाराम। आसाराम तो गुजरात से थे। आपके नजरों में आसाराम, राम रहीम इन सब को मतलब कि कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे तक पहुंचवाने में योगी जी, योगी जी का मैं राम रहीम के उसमें कह सकता हूँ, यूपी में जो हो। बाकी मोदी जी और ये योगी जी, इनका ये काम बहुत अच्छा है, जो ये जो इस तरह से पाखंडी बाबा है ना उनको अंदर कर रहे हैं। जो ये मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये पाखंडी बाबा या मौली कोई भी ये हैं, इनको अंदर करो, बहुत पैसा बच जाएगा देश का। मेरा शुभ नाम उदय है। सर 2024 के बाद आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी जी को। अच्छा, ऐसा योगी जी में आपको क्या नज़र आ रहा है कि आप योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, उनकी बातें ना बहुत ही स्पष्ट होती है, जो भी वो कहते हैं किसी कोई भी पॉलिटिक्स उसमें नज़र नहीं आता है। चाहे आप अभी हैदराबाद देखें, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 1995 से सांसद हैं उनको लोग देखते आ रहा है, उनकी बातें सुनते आ रहा है। अटैक भी हुआ तब भी उन्होंने सांसद में अपने ऊपर बताया। कोई भी डिसीजन लेते हैं बिल्कुल बोल्ड होकर लेते हैं वो। योगी जी का कोई काम अब तक आपको सबसे अच्छा लगा हो बहरहाल में? बहुत सारा है, जैसे कि NRC, इन सब में जितना कुछ हुआ कोई दंगा फसाद का कोई भी यूपी में सुनने को नहीं आया। दिल्ली में आपको पता ही है कि कितने मुश्किल से गुजरे हम लोग, लेकिन यूपी में ये सब कुछ सुनने को नहीं आया। शायद कोई और गवर्नमेंट होती तो आप उसका नज़ारा आपको पता ही होता कि क्या होता, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मेरठ हो या भागलपुर हो, कहीं भी आप जाइए। तो उनके रहते हुए ये सारी चीज़ें नहीं देखी। किसान आंदोलन भी हो रहा है तो यूपी में उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि कहीं ना कहीं कनेक्शन पंजाब और हरियाणा का पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता है हमेशा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनका डिसीजन बोल्ड होता है। अखिलेश यादव के कामकाज और योगी जी के वर्तमान में कामकाज, दोनों में आपको कितना का फर्क नज़र आता है, कौन बेहतर लग रहे हैं? योगी जी स्पष्ट रूप से, अखिलेश जी तो नेता है ही नहीं, ये तो खानदानी चलता आ रहा है, ये हर किसी को पता है। और ये शायद BJP गवर्नमेंट है जो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के कगार पे ला रही है देश को, ये जो भी खानदानी चलता आ रहा था। अखिलेश जी क्या है आपको पता है, ये अपने बाप दादाओं का लेकर चल रहे हैं, जो BJP में हमें देखने को नहीं मिलता है, चाहे नड्डा साहब हों, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई भी हो, अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है पॉलिटिक्स में। अब बहन जी के कामकाज से तुलना करें योगी जी का, तो अब देखिए ये किस्मत है कि बहन जी मुख्यमंत्री बन गई थी, कुछ कार्य किया नहीं। आप कब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ में लगे हुए हैं, आपने अपने चीज़ को कहीं और अपने मतलब किस्मत को आजमाया नहीं, आप इसमें लगे हुए हैं तो आप जड़ से जुड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये हाल है मोदी जी हो गए, योगी जी BJP वालों का। बहन जी का किस्मत था, उन्होंने पकड़ा, काशीराम जी को पहुँच गई। मेहनत नहीं है उन लोगों का, अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स है, गुणा भाग है, जातिवाद है, सांप्रदायिक दंगे हैं, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकली। मुझे लग रहा है कि काफ़ी रिपोर्टर्स हैं जो उनसे अच्छे नॉलेज रखते हैं, वह उन लोगों की किस्मत है, जातिवादी करके इधर का उधर गुणा भाग करके कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो योगी जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बन जाए तो फिर तो मज़ा ही है। और अमित शाह जी अगर बन गए तो? अमित शाह जी भी कहीं ना मुझे वैसा पॉलिटिकल लगते नहीं है, ऐसा लगता है ना कि बस वो भी थोड़े से कह सकते हैं छिछोरा टाइप, गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं लेकिन वैसा कुछ दम नहीं लगता है। शायद उन पे से BJP का हाथ हट जाए तो उनके भी हालत ख़राब हो सकते हैं। आपका शुभ नाम? चंदन मेहता। चंदन जी, अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना चाहेंगे? अगले प्रधानमंत्री जी के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दूर दूर तक वैसे कोई दिखता नहीं है अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की इमेज इस लेवल पे खड़ी हो गई है, लेकिन अगर फिर भी देखते हैं तो मुझे अमित शाह दिखाई देते हैं। अच्छा, और क्या योगी जी भी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं आपके नज़रों में? योगी जी प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता है, मैं मानता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्टेट में, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक जो हमें एक ओवरऑल पैकेज चाहिए होता है ना एक प्रधानमंत्री को लेने, तो जो योग्यताएं मुझे अमित शाह जी में दिखती हैं, जैसे उन्होंने अपनी पार्टी को किस स्तर तक पहुंचा दिया है, काम करने की क्षमता, मंत्रालय को संभालना,
और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े जितने भी, जैसे अभी सीए को लेकर था, अभी किसान को लेकर जो समस्या चल रही है प्रेजेंटली, आप सबसे पहले देख रहे हैं आंदोलन जो इतना बड़ा हो गया है, उसके ऊपर आखिरी बार भी प्रक्रिया अगर किसी की ली गई कल रात, तो अमित शाह जी की थी, और ये केस भी तभी सॉल्व होने वाला है। तो मुझे योगी जी कभी वैसे नहीं दिखाई दिए कि हाँ पीएम होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति से कहीं ना कहीं सर बाहर रहना ही पड़ेगा। बात सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की नहीं होती, इससे बाहर रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि बात देश की भी है। तो मुझे नहीं लगता है योगी जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा कार्य जो आपको अब तक में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? प्रधानमंत्री जी के ऑलमोस्ट मुझे सारे काम अच्छे लगे हैं, अभी चाहे तीन तलाक का मुद्दा रहा हो, वो राम मंदिर का रहा हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जो मुझे नहीं अच्छा लगा है वो नोटबंदी थी सर, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्यों थी, और अगर थी तो उसके फ़ायदे क्या थे ये तो बिल्कुल ही नहीं पता चला। तो मैं चाहता हूँ अगर कभी ये बात हो तो न्यूज़ में ज़रूर पता चले हमें भी, भैया इसके फ़ायदे बेनिफिट्स क्या क्या हुए, वो ज़रूर सुनने को मिलने चाहिए। तीन नए कृषि कानून को आप किस रूप में देखते हैं? सर मैं अभी इसको किसी भी रूप में नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं दोनों साइड से जब भी सुनता हूँ, और मैं ज़्यादातर ना इसको सोशल साइट्स पे या न्यूज़ पे सुन रहा हूँ, तो जब भी सुनता हूँ तो मुझे वही साइड ठीक लगने लगती है। हालांकि सरकार ने तो ये कह ही दिया कि सारे क्लॉट्स पहले से ही थे, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन किसानों की तरफ से जब इसको सुना जाता है तो कॉरपोरेट वर्ल्ड भी जहाँ हमें दिखाई देता है कि आने वाले टाइम पर इस पर कॉरपोरेट का कब्जा होगा, ठप्पा लग सकता है कि भैया MSP को लेकर, भैया न्यूनतम दाम इसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वो ऑफिशियल नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि भैया आप कुछ एक बीच की कोई मिली जुली सरकार बना के कह रहे हैं कि उसका एक सोल्यूशन एक पेपर्स के थ्रू इनको दे दिया जाएगा। अच्छा, तो आप अभी अगर एक तौर पे माना जाए तो आपको क्या लगता है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं ये गलत है? नहीं देखिए सर, मैं कहता हूँ कि आंदोलन तो ठीक है, मेरा विचार है कि आंदोलन तो ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है कि सामने वाला, अगर आपने कोई भी प्रस्ताव रख दिया है तो सामने वाले की भी अपनी एक प्रक्रिया है, उसके ऊपर वो क्या प्रतिक्रिया देने वाला है वो हमें जानना ज़रूरी भी होता है। अगर इतनी क्वांटिटी में किसान निकल के अपने शहर से आ रहे हैं और किसान भी जुड़ गए हैं, उनमें भी बड़े, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसान को कह रहा हूँ कि वही समझदार है, लेकिन उसमें से कुछ किसान जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं वो तो समझदार हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है सर कि किसान भी अपना स्टैंड ले रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जैसे निजीकरण होता जा रहा है चीज़ों का जैसे जैसे, तो उस हिसाब से अगर कल को इन चीज़ों को लेकर भी ऐसी चीज़ें बनती हैं तो ठीक तो नहीं है। देश की खूबसूरती यही है कि भैया लोग जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, जिस चीज़ों के लिए वो बड़ी मेहनत करते थे सरकारी नौकरियों के लिए, वो जब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की ओर चढ़ेगा तो शायद क्वालिटी वो नहीं रह जाएगी, और हो सकता है क्वालिटी बहुत भी अच्छी दे दें तो पर लोगों को वैसा सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल पाएगा। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आंदोलन अपनी जगह ठीक भी है। मैंने पहले ही एक बार लेकिन शुरू में बोल दिया था कि मैं दोनों चीज़ों को दोनों साइड से सुनता हूँ तो मुझे दोनों तरफ ठीक लगने लगती हैं। मैं इसके ऊपर मतलब अभी एक अपना स्टैंड प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ, तो लेकिन ये जो हो रहा है आंदोलन जिसकी वजह से आम जनता परेशान रही, जिसमें मैं भी हूँ, वो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि किसान आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति 100% सर की जा रही है? और ये तो एक बहुत बड़ा सच है सर, ये ही हो रहा है। भाई किसान तो कर ही रहे हैं जो उन्हें करना है, लेकिन उसकी आड़ में जो विपक्षी नेता जितने भी हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं जाती है सर, क्योंकि उनके पास काम ही क्या है। देखिए उनको विपक्ष का तो काम ही यही होता है मेन, तो विपक्ष तो चाह ही रहा है कि ये चीज़ें जितनी बढ़ चढ़ के होंगी, लेकिन मैं इनका भी स्टेटमेंट सुनता हूँ, अभी रविशंकर प्रसाद जी का कल परसों आ रहा था न्यूज़ में, तो उन्होंने बोला है कि भैया ये नीतियाँ तो आप ही लोग लाए थे, अब उसको हम जो भी है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या और चीज़ों को अच्छे से दिखा रहे हैं या दे रहे हैं, जो भी है कुल मिला के मतलब कि विपक्ष का स्टैंड इसमें है, विपक्ष इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, अगर भविष्य का देखा जाए तो आपको कैसे लगते हैं? सर राहुल गांधी जी मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुझे गलत लगते हैं, मुझे वाकई में वो इंसान बहुत अच्छा इंसान दिखाई देता है। और ऐसा भी है कि मैं ये तो अभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने अमित शाह जी का जहाँ नाम ले दिया वो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल मुझे लगे अमित शाह जी, हमेशा मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा तो यार बहुत स्पीडली काम करता है, तो मैं उसको अगर कंपेयर ना करें तो राहुल गांधी अपनी जगह मुझे हमेशा ठीक लगे हैं, क्योंकि हो सकता है कि नॉलेज सबके पास कभी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लोग काम करते ही आए हैं। नरेंद्र मोदी जी से पहले भी PM रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आज इतने पॉपुलर हैं, वो थोड़े कम पॉपुलर रहे होंगे, नरसिम्हा राव जी थे चाहे अटल जी थे चाहे वो, बहुत सारे लोग थे सर, वो जितने भी लोग थे वो हो सकता है मोदी जी के कंपेयर अगर आप करोगे ना तो सबकी पॉपुलैरिटी कम ही है। राहुल गांधी को भी लोगों ने वो जिस तरह के नए नए शब्दों से उनको संबोधित कर देते हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं लोग, तो मैं ये कहूँगा कि एज ए इंसान मुझे जब भी वो दिखाई दिया मुझे वो अच्छा इंसान दिखाई दिया, मुझे कभी वो ऐसा नहीं दिखाई दिया। रही हंसी मजाक की बातें तो वो है, अगर वो PM के लिए भी आते हैं तो मुझे लगता है कि जो बाकी हमारे IAS IG वगैरह जितने बड़े लोग इस अपने अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छे से संभालते हैं तो उस हिसाब से ये उसको भी टैकल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता। अब तक के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? मुझे, मैं सर एक कहूँगा कि कार्यकाल इनका वर्किंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ओवरऑल काम से पूर्ण तरीके से खुश नहीं।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मंदी के दौर से गुजर रही हैं सर, और बार बार इतने बड़े एक्शन इतनी स्पीडली लेना वो सुनने में बहुत अच्छा है, एक हम फिल्म में देखें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगा प्रैक्टिकल को थोड़ा स्लो करना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक पब्लिक लाइन में खड़ी रहे वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके बार बार एक्शन से पब्लिक रोड पे हो जाती है, सारे ट्रैफिक जाम, आम पब्लिक के काम बंद, कभी CA हो रहा है, कभी NRC हो रहा था, अभी ये शुरू हो गया है, थोड़े दिन बीच में कोरोना ने ले लिए, तो ये सब आपके कार्यकाल में ही हो रहा है, तो उसको बचाना भी तो है सर, क्योंकि देश की GDP का हाल भी -23% में है, वो भी हम सब पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा ओवरऑल ये है कि सुनने बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें नुकसानदेह हो रही हैं। ज़मीन पे कुछ आपको दिख रहा है, मतलब कुछ काम? हाँ सर, राम मंदिर मुझे ज़मीन पे दिखाई दिया मुझे दिखा कि राम मंदिर बना, वो बहुत अच्छा है सर, होना भी चाहिए, देश का हिस्सा है सर। हैदराबाद में भी जो ये करने वाले वो भी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह अकबरुद्दीन ओवैसी अपने स्टेटमेंट देते हैं वो देश विरोधी रहते हैं हमेशा, मुझे जहाँ तक लगता है, तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी जो कह रहे हैं ज़मीन पे है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं है, जितना कुछ बोला सब कुछ तो नहीं है। अभी आप 15 लाख वाली बात मत पूछिएगा बस। 15 लाख वाली बात तो जुमला था ना, वो तो जुमला बनाया गया सर, बोला तो गया ही था। नहीं सर, कहा है बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, आप तो रिपोर्टर लोग हैं, आपको तो अच्छे से मालूम है, बोला तो था ही, बोला गया था, अमित शाह जी तो सफाई दे रहे थे इसके ऊपर, बोला तो मार्कशीट वाली बात भी गई थी। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं। नहीं सर, अभी तो ये बात को कवर किया जा रहा है, ये बात कवर ही इसलिए हो रही क्योंकि कही गई थी, कहीं नहीं गई होती तो इसे कवर ही नहीं करना पड़ता। उन्होंने बोला ना, हाँ भाई ये तो जब पार्टी इस तरह से, जब हम कभी चुनाव प्रचार करते हैं तो उसके अंदर बोल दिया जाता है, बोल दिया जाता है, तो आपने बोल दिया। आपकी सरकार के किसी योजना के लाभ उठा पाए? नहीं सर, मैं किसी का नहीं उठा पाया अभी तक। अगर मैं फिर भी थोड़ा सा अगर सोच के बोलूँ आपको, तो मैं थोड़ा सा सोच पा रहा हूँ सर, नहीं सर, मैं अभी फ़ायदा तो कोई नहीं ले पाया।